हाय, माय नेम इज भावेश शाह, आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पेसकर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है अप्रेजल सिस्टम पे। मैं आज आपको पांच डिफरेंस बताने वाला हूँ 360 डिग्री फीडबैक और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, और ये भी हम लास्ट में देखेंगे कि कौन सी अप्रेजल सिस्टम ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग जानते हो कि मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ होते हैं एचआर बडिंग प्रोफेशनल्स के लिए या जो अपना करियर एचआर में बनाना चाहते हैं। सो प्लीज़, मेरा यदि वीडियो सही लगता है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये नॉलेज पहुँचा सके। सो लेट्स स्टार्ट। The first thing about the 360 degree feedback, it has been founded by Marshall Goldsmith in 1949. और same MBO की history काफ़ी लंबी थी, मगर वो famous हुआ था Peter Drucker की books की वजह से, that is in practice of management में। This is the first introductory part. अब हम difference पे आते हैं। जैसे नाम suggest करता है 360 degree feedback, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का सेल्फ अप्राइजल है, पीयर अप्राइजल, मैनेजर सबोर्डिनेट सबसे एक अप्राइजल सिस्टम अपने बारे में पूछा जाता है उस तरह से, क्या क्या फील करते हो वो इंसान के बारे में। तो ज़्यादातर 360 डिग्री फीडबैक देखने जाए तो बिहेवियर एस्पेक्ट्स पे और वर्क पे ज़्यादा है। सेम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्वांटिटेटिव अप्राइजल से उस तरह से कि जो एक प्रोजेक्ट पे ड्रिवन होता है, जहाँ पे मैनेजर्स और सबोर्डिनेट एक जगह पे मिलते हैं, डिसाइड करते हैं, गोल सेट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, वो पहला डिफरेंस है। सेकंड, जो भी देखने जाए तो 360 डिग्री फीडबैक इज मोस्टली यूज्ड इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, दैट वे इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन आईएएस दे यूज दिस 360 डिग्री फीडबैक, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनर्स और डिपार्टमेंट और टॉप मैनेजमेंट तक इन्वॉल्व रहते हैं। कमिंग टू द सेकेंड साइड, MBO ज़्यादातर ये स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन और मीडियम स्केल में यूज होता है उस तरह से, और यहाँ पे टीम ड्रिवन होता है उस तरह से। सेकेंड पार्ट, तीसरा हम देखने जाए तो बेसिकली क्या होता है, जो 360 डिग्री फीडबैक में ज़्यादा क्वेश्चंस और टीम इन्वॉल्व होने से या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व से, वो साल में ज़्यादातर एक बार ही होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का ऐसा नहीं है, जो भी नया प्रोजेक्ट आया उस पर आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई कर सकते हो उस तरह से, ये तीसरा डिफरेंस है। चौथा, थोड़ा हम डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात कर लेते हैं। 360 डिग्री फीडबैक बहुत बड़ा होने की वजह से क्या यहाँ पे बायस्ड हो सकता है, क्योंकि आप किसी के बारे में आप फीडबैक दे रहे, तो आप हो सकता है आपका परसेप्शन अलग अलग हो लोगों के बारे में, तो ये बायस या थोड़ा पॉलिटिकल ड्रिवन भी कभी कभी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देखने जाए तो ये एंटायरली ड्रिवन है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, तो यहाँ पे बायस चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। फाइनली, यदि हम वहाँ पे एक बेनिफिट देखते हैं तो डिसएडवांटेज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का ये भी है कि यहाँ पे आपको कल्चर बॉन्डिंग वगैरह एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ड्रिवन है। जो हमें 360 डिग्री फीडबैक में पता चलता है, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है एक दूसरे के एम्प्लॉयज के बारे में, दैट वी कैन नो। तो ये पांच डिफरेंस फ्रेंड्स आप देखोगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे है कि कौन सा बेनिफिट ज़्यादा देगा या कौन सा अच्छा अप्राइजल सिस्टम है। आई विल सजेस्ट यू वी शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दैट। हाउ, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कहा जाता है कि उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर गोल सेट करके छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करो, तो सेम हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्रोजेक्ट में MBO यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रोफेशनलिज्म भी ला पाएंगे उस तरह से और एस्केलेशन भी कम होगा वो प्रोजेक्ट पे। सेम 360 डिग्री फीडबैक को हम देखने जाए तो उसको स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस में भी यूज़ कर सकते, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कल्चर पता चले, एम्प्लॉय एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिसको हम ब्रांड बोलते हैं उस तरह से, राइट। तो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो सकते हैं कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो कल्चर और वर्क का। तो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप माई वीडियो, होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस तरह से, और कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। कमिंग टू माई फाइनल पार्ट, यदि आपको किसी भी तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत लगती है, यू कैन विजिट ऑन अवर वेबसाइट और कॉल अवर काउंसलर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर इन टू द मार्केट फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स विद 15 प्लस ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। See you in the next video, knowledge sharing part. Thank you.